थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन की वैल्यू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमड़ा नॉट। तो न्यू जो है न्यू नॉट ये होता है मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें किसकी, लैम्डा नॉट की, तो न्यू और लैम्डा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। लैम्डा नॉट होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू या न्यू से ज्यादा होगी तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। और यदि जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा नॉट से कम हो, वेवलेंथ की वैल्यू जो है लैम्डा नॉट से कम हो या उसके बराबर हो तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो। यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उससे कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह से जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ के केस में आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द वर्क वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी फॉर फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चन, साथ ही साथ फॉर्मूला रिविजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ कैल्शियम, जब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको लगानी है पर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि वर्क फंक्शन आपको दिया है। तो वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट या फिर एच न्यू नॉट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो लगाना। तो अगर आपको आर्मस्ट्रांग में लगाना हो तो 12400 अपॉन लैम्डा नॉट, ये आर्मस्ट्रांग में। और ये जो W है ये किस में होगा, इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किस में लगाना हो, नैनो में, तो ये 12140 ये हो जाएगा किस में, ये नैनो। तो अब यहाँ पर नैनो में आंसर है तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.9, ये हो जाएगा 1240। और यहां से लगा लो लेमडा नॉट nm, तो लेमडा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी 1240 अपॉन 2.9। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 428 nm। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम के हैं ये, आपको सीधा एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इन क्वेश्चन, इन फॉर्मूलाज को याद। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ सोडियम एंड टंगस्टन वर्क फंक्शन, सोडियम का जो वर्क फंक्शन है WNA मैं लिख देता हूँ वो कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो टंगस्टन का है, टंगस्टन उसका है कितना, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी जो वेवलेंथ है वो सेम है, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो सेम है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन इज मेजर्ड, टंगस्टन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है 1.8 वोल्ट।
स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है किसका, सोडियम का, ये निकालना है। तो अब यहां पर हम यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ई इक्वल्स टू फाइव प्लस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को मैं डब्ल्यू नॉट से लिख देता हूँ, डब्ल्यू नॉट प्लस फाइव। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ किसके लिए, ई की वैल्यू एच सी अपॉन लेमडा लिख देता है, तो ये एच सी अपॉन लेमडा किसके लिए, टंगस्टन के लिए, और वर्क फंक्शन इसका कितना दे रखा है 4.5 और ये दे रखा है 1.8। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास होगी कितनी, 6.3, ये वैल्यू फिक्स हो, एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू आ गई। अब किसके लिए, सोडियम के लिए, एंड लेमडा तो दोनों के लिए सेम है, तो एच सी अपॉन लेमडा, और वर्क फंक्शन कितना दे रखा है सोडियम के लिए, ये दे रखा है 2.3, 5.1 निकाल, एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 6.3, में से माइनस करना है कितना, 2.3, और प्लस 5Na, तो 5Na जो है वो आ जाएगा 4 वोल्ट। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए आंसर, ये यूनिट गलत लिखी हुई है, इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लेना। अरे नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ एक मिनट सही है, पोटेंशियल निकालना है ना, तो फाई की वैल्यू ये आएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं एक बार इसको वापस बता देता हूँ, ये वैल्यू आएगी फाई इक्वल्स टू ई वी स्टॉपिंग, और ये आंसर आएगा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ई से ही कटेगा, तो फाई स्टॉपिंग की वैल्यू हो जाएगी 4.0 वोल्ट, हाँ 4.0 वोल्ट यानी कि 4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज अ बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, यानी कि एच सी अपॉन लैम्ब्डा नॉट, तो डायरेक्ट उसमें लिख दो आप 12400 और लैम्ब्डा, अब आर्मस्ट्रांग में आ जाएगा सीधा 1244 और 2.3, तो नियर अबाउट आंसर आएगा इसका 5391 आर्मस्ट्रांग, जिसको आप लगभग बराबर लिख दोगे किसके, डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 320 नैनोमीटर, है ना, फॉल्स ऑन द फोटो कैथोड, वर्क फंक्शन, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ एच सी अपॉन लेमड़ा, वर्क फंक्शन की वैल्यू डब्ल्यू नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकाल, तो इसको नैनो में लिखना है, तो 1214 और ये कितना हो गया 320, वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2.1 और ये आ गया, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहां से वैल्यू बनेगी 124/32, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये वैल्यू बनेगी 3.875 और ये बनेगा 2.1 प्लस 5, में से माइनस करना है 2.1, तो ये आएगा लगभग 1.77, तो ये 5 की वैल्यू 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है तो बनेगा 1.77, यानी कि नियर अबाउट 1.8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कॉम्पटन स्कैटरिंग, देयर इज एन इनइलास्टिक कोलिजन, कॉम्पटन स्कैटरिंग में इनइलास्टिक कोलिजन होती है फोटोन की किसके साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, इनइलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज ड्राइव्ड अंडर द अजम्पशन, अजम्पशन ये माना जाता है कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, जो कि होती है एच न्यू, तो किसके बराबर होती है एच न्यू, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको एमिट करने हैं तो उसके लिए आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट जो होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, साथ ही साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बट जो उनकी एनर्जी है, बट एनर्जी रिमेन सेम, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स कब बढ़ेंगे, तो हायर इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की, तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे,
तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग फोर यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें, फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट जो हैं वो IIT JEE के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JEE एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे। अभी एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JEE 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।